गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी पढ़ रहे हैं। आज हम 1.3 प्रश्नावली देखेंगे। 1.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है हमारे पास, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर मैं सवाल डाल रहा हूँ, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम क्या होता है? व्यापक नियम में हमें सबसे पहले हमें या तो हमें संख्या को देखना है ढाई के सन्निकटन, या फिर सैकड़े के सन्निकटन, या फिर हजार के सन्निकटन, या फिर 10,000। इस तरह से हम लोग इसको आकलन करेंगे। अब इसमें हमें या तो प्रश्न में दे दिया जाएगा कि आपको दहाई के सन्निकटन देखना है, दहाई के सन्निकटन का अर्थ होगा यहाँ पे 10 के नज़दीक देखना है। जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे 56 लिख रहा हूँ, तो 56 को यदि हम दहाई के सन्निकटन देखेंगे तो ये हमारे पास 60 के नज़दीक होगा। 60 के नज़दीक कैसे होगा? यहाँ पे 50 होता तो वो 50 के नज़दीक है 51 होता, 52, 53, 54 तक, 50 से लेके 54 तक, ये 50 तक ही रहेगा दहाई के सन्निकटन में। लेकिन जैसे 55 हो जाता है और यहाँ 60 हो जाता है, उसके बाद में 60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 55 से लेके 64 तक ये संख्याएं 60 के नज़दीक रहेगी। ज़्यादा नज़दीक दहाई के सन्निकटन मतलब ये हुआ, जैसे 10 और 20 में से देखना है आपको, तो कोई संख्या जैसे 18 ले रहे हैं हम, तो 18 ज़्यादा नज़दीक 10 के है या ज़्यादा नज़दीक 20 के। इस तरह से हमें सन्निकटन देखना होता है। इसी तरह से सैकड़े का मतलब होता है 100 के नज़दीक देखना है, हज़ार का मतलब होता है 1,000 के। तो ये हमारे पास जो व्यापक नियम आया है इसमें यहाँ पे दिया नहीं है, हम लोगों को वैसे अंदाज़ा लगा कर ही हमें देखना है कि ये दहाई के सन्निकटन करें या 100 के। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें आ रहा है, 730 प्लस 998। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 730 को देखना है। 730 को हम लोग यहाँ पे 100 के सन्निकटन देख लेते हैं। तो 100 के सन्निकटन सन्निकटन बराबर ये 700 बन जाएगा, और इसको भी 998 को भी हम 100 के सन्निकटन देखेंगे। तो 998 हमारे पास ज़्यादा 1,000 के पास रहेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ भी लिख दो 100 के सन्निकटन, 998 को लिखेंगे हम लोग तो 1,000, और फिर यहाँ दोनों को प्लस किया गया है, इसलिए यहाँ पे आकलन कर दो या आकलित योग बराबर यहाँ पे आप डायरेक्ट प्लस कर दो इनको, 1,000 में 700 जोड़ेंगे तो 1,700। बस इन सॉल्व को ऐसे ही करना है आपको, ये होता है व्यापक नियम। जैसे एक को लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं हम बी सवाल को लेते हैं, 28,292 और माइनस का निशान है इसमें 21,496। अभी यहाँ पे हम लोग इसको हज़ारों में ले लेते हैं, हज़ार के सन्निकटन, क्योंकि संख्या बड़ी है, जितनी बड़ी संख्या होगी उसको वैसे बढ़ाते रहे, छोटी संख्या होगी तो हम दहाई सैकड़ा ले सकते हैं, बड़ी संख्या होगी हज़ारों में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1,000 के यानी हज़ार के सन्निकटन लिखोगे आप, हज़ार के सन्निकटन
तो 28,292 है, यहाँ पे तो विशेष तौर से देना है, हजारों में कैसे देखना, 28,292 है आगे। अब 292 है, 300 आ जाता, 400 आ जाता, तो 500 आते ही 400 तक, यानी 499 तक अगर संख्या है तो वो 28,082 रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 28,500 आ जाता है, तीसरा अंक यहाँ पे 5 दिखाई दे, आपको देखो अंक 5 का दिखाई देना, 5 अगर अंक दिखाई दे तो वो अगली संख्या में जाता है, तो यहाँ पे 28,200 ही है। अगर यहाँ 300 होता तो भी वो 28,000 के पास रहता है, 400 होता तो भी, या लेकिन यहाँ पे तीसरा अंक यदि 28,005 होता तो वो अगले में जाता है 29,000 में, तो इसको हम 28,000 मिलेंगे, 28,000। इसी तरह से हजार के सन्निकटन, इसको भी लिखेंगे हजार के सन्निकटन, तब 21,000, देखो ये 496 है तो ये भी 21,000 में रह जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों अपना आकलित व्यवकलन लिख दीजिए, व्यवकलन का मतलब होता है गठाना, ये देखो गठाना है इसलिए हम व्यवकलन लिख रहे हैं, या आप लोग यहाँ पे गठाव लिख सकते हो, आकलित गठाव, यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, 28,000 में से 21,000 घटाएंगे तो हमारे पास 7,000 शेष बचेगा। इस तरह से आपको ये आंसर देने हैं, तो ये बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे कुछ बचे हुए सवाल है, मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जैसे 20 सवाल हैं इसको मिटा देते हैं, बी नोट कर लें आप लोग और उतारें, 796 माइनस 314 सी बी लिख लीजिए 12,904 प्लस 2,888, ये दो सवाल इसके अंदर है। अब अगला इसमें ये भी कह रहा है कि जोड़ने गठाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण लिखिए, तो आप लोग 10 उदाहरण आप स्वयं देंगे, इसमें जोड़ने और गठाने के दोनों मिक्स होंगे उसमें, तो 5 इसमें आप जोड़ के कर सकते हो और 5 घटाव के कर सकते हो, इस तरह से कोई भी सवाल बना लीजिए और उनको हल करें, 10 उदाहरण अपनी तरफ से देना है इस सवाल में बोला गया। उसके बाद में 1.3 का हमारे पास दूसरा सवाल आ रहा है, उसको देखते हैं, एक मोटे तौर पर, दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, एक मोटे तौर पर देखिए सवाल सुने, एक मोटे तौर पर आकलन, आकलन वैसे रफ को कहते हैं, रफ अंदाजा लगाना, एक मोटे तौर पर आकलन सोतक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन कीजिए, आपको दो दो इसके वो करने हैं, एक तो 100 के सन्निकटन करना है और एक 10 के यानी दहाई के सन्निकटन योग करना है, अब इनका आकलन करना है, योग तो योग करेंगे, माइनस तो माइनस करेंगे। इसी उदाहरण के लिए हमारे पास इसमें पहला आ रहा है, दूसरा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको 100 के सन्निकटन और दहाई के सन्निकटन, दूसरे में ये दोनों निकालने हैं आपको, जैसे इसमें मैं पहला ले रहा हूँ ए, तो 439 प्लस 334 प्लस 4,317, इसको आप लोग यहाँ पे हल लगा के लिखेंगे, सबसे पहले एक नंबर कर देंगे इसमें 100 के सन्निकटन, 100 के सन्निकटन, पहले हम 439 को देखेंगे, तो 439 रह गए यहाँ पे, आपको 400 अगर 49 तक भी होता 49 तक तो भी वो 400 के नज़दीक आता, लेकिन 400 अगर आगे 50 हो रहा है यानी 50 हो रहा है 450 हो रहा है तो वो 500 के पास जाएगा, तो ये 400 के नज़दीक ही रह जाएगा। आप इस ऐसे भी कर सकते हो सीधा, 400 प्लस 334 300 के नज़दीक रहेगा, प्लस 4,300 है तो 4 को लिख लो, इसको देखना है 317 को, 317 हमारे पास 300 के पास ही रहेगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 4,300 में 300 जोड़ेंगे 4,600, 4,600 में 400 जोड़ेंगे 4,000, ये 5,000 हो गए, 4,600 600 में 4 जोड़ेंगे तो 5,000, ये हमारा योग होगा। इसको हम कहते हैं व्यापक नियम बोल देते हैं, इसमें इस दूसरे सवाल में आपको दिया गया है 100 के और दहाई के सन्निकटन का योग करना है,
तो ये हमारा पहला सवाल हो गया है। इसमें अब दूसरा देखो, इसी में दहाई के सन्निकटन लेकिन, तो यहाँ पे दहाई के सन्निकटन लगा दीजिए आप, दहाई के सन्निकटन, दहाई के सन्निकटन देखेंगे तो यहाँ पे 439 है, तो केवल आप 39 को देखिए, 39 को देखिए, 39 यहाँ पे 40 के पास रहेगा, तो 440 प्लस 334 को देखेंगे तो 330 के पास ही रहेगा, 4317 है, तो 4300 में तो लग गया 17 को देखना है, 17 यहाँ 20 के पास रहेगा, और इन सब को जोड़ लेंगे हम, तो 440 330 और 4320 इन सबको यदि प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5090। इस तरह से ये हमें क्या करना है, व्यापक नियम का प्रयोग करके हमको जोड़ना है, जिनको हम सन्निकटन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ सवाल बच गए हैं, वो आप लोग उतार लें, इसके अंदर जैसे बी यहाँ पे मैं उतार रहा हूँ और आप इसको उतार लें, 108734 माइनस 47599, सी भी लिख लें, इसको नोट कर लें आप, 8325 माइनस 491, और डी इसके अंदर नोट करेंगे आप, 489348 माइनस 48365। इस तरह से चार सवाल है इसके अंदर, दूसरे में या चार कर लीजिए, उसके बाद में हमारा थर्ड सवाल आ रहा है, तो थर्ड सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल आ रहा है, इसमें ध्यान से सुने, तीसरा व्यापक नियम का प्रयोग करते हैं निम्नलिखित गुणनफल, अब जिस तरह से आपने योग और व्यवकलन किया है, जोड़ और घटाव किया है, वैसे ही इसका गुणा और भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा सवाल जो आ रहा है उसमें आपने व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा थर्ड सवाल है। इसके अंदर जैसे हम लोग पहला सवाल ले रहे हैं, इसके अंदर 578 गुणा 161, अब इसमें आप ध्यान रखें, छोटी संख्या हो तो आप दहाई के भी ले सकते हो, वैसे सौ के लोगे तो भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा, ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, जिस सवाल में व्यापक नियम दे दिया आप अपनी मर्जी का ले सकते हो, उसको दहाई के ले सकते हो, सौ के ले सकते हो, ऐसे आपकी कंडीशन में, तो हम लोग इसको लेते हैं सौ के सन्निकटन लेते हैं, सन्निकटन बराबर ये क्या हो जाएगा 578 को देखते हैं, तो 578 यहाँ पे 600 के नजदीक जाएगा, इंटू 600 इंटू 161 को देखते हैं तो ये 200 के नजदीक जाएगा, और इन दोनों आराम से गुणा करेंगे तो 6×12 और ये हो गया 400, 120000 ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से जैसे एक को देखते हैं हम लोग, एक बड़ा सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे बी को ले लेते हैं, ये ए था ये बी ले लेते हैं, 5281 गुना 3491 यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम लोग 1000 के सन्निकटन लेते हैं क्योंकि संख्या बड़ी है, 5000 में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 के सन्निकटन, 1000 के सन्निकटन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 के सन्निकटन, 5281 रह गया तो 5000 भी आ जाएगा, ये गुणा यहाँ पे 3400 है तो ये भी 3000 भी रहेगा। अब आप लोग इनको गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शून्य है, तो 1 2 3 4 5 6 तो शून्य लगाए और 5 3 15 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे 3 को छोड़ के फिर 2 को छोड़ के 1,50,00,000 ये हमारे पास इसका गुणनफल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे व्यापक नियम का प्रयोग करके, और कोई भी गुणनफल है, कोई भी भाग है, कोई भी जोड़, कोई भी घटाव हल कर सकते हैं, इसको देखिए आराम से उतारें। अब इसके अंदर जो सवाल बच गए हैं उनको आप ध्यान से देखें,
जैसे इसके अंदर सी बच गया है, ये आप स्वयं कर लेंगे। 1291 गुना 592 और डी हमारे पास बच गया है 9250 गुना 29। देखो भैया इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इस संख्या को देखोगे तो ये पहली संख्या तो हजारों में है, 9250 है, और दूसरी यहाँ पे 29 है, तो इस सवाल को आप दहाइके से निकटन कर लेना। दहाइके से निकटन करेंगे तो ये 2050 है, 9250 है, 9250 है, तो ये 9250 ले जाएगा गुना ये 29 है, ये 30 के नज़दीक ले जाएगा, ये 30 के नज़दीक हो जाएगा। या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हो, देखो व्यापक नियम में बिल्कुल ही छूट होती है कि ये 9250 है, तो इसको तो आप हजारों में कर सकते हो फिर, और इसको फिर दहाइके से निकटन कर सकते हो। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अलग से ये लिखना पड़ेगा कि पहले हजार के से निकटन, फिर दहाइके से निकटन, और फिर उसका गुणनफल आप लोग कर लोगे। इस तरह से ये हमारा व्यापक नियम कम्प्लीट होते ही आपके पहली प्रश्नावली अपनी संख्याओं की जानकारी कंप्लीट होती है। इसमें 3 प्रश्नावली, 1.1, 1.2 और 1.3। 1.3 में इतने ही सवाल हैं हमारे, कल हम सब प्रश्नावली दूसरी देखेंगे। थैंक यू।